हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई एम चेतना शर्मा और वेलकम बैक टू चेतना की दुनिया। तो हम लोग जा रहे हैं आज फंक्शन में, और फंक्शन में जा रहे हैं, मेरे मामा की बेटी की शादी है तो वहाँ जा रहे हैं। आज है भात वगैरह की रस्म, तो ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। आज फिर चल रहे हैं, बस अभी मुझे पिक करना है दीपा को, दीपा को पिक करके फिर चलते हैं हम लोग जल्दी से। सो यहाँ पे हमने पिक कर लिया था दीपा को और चाची को भी, तो वंदना चाची भी हमारे साथ ही जा रही हैं क्योंकि आज लेडीज़ संगीत का भी फंक्शन है। और चाची यहाँ पे कुछ अपनी बातें कर रही थी, उन्हें लगा कि मैं व्लॉगिंग में उनकी बातें ले लूँगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा हो गया उनका पोपट। बट देखिए, मैंने यहाँ पर ओवर वॉइस करी क्योंकि ट्रैफिक का भी शोर होता है और बच्चे भी बोलते रहते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर मामा के घर पहुँच चुके हैं। देखिए, तो जब मैं पहुँची थी उस टाइम पर चाक जो पूजने जाते हैं तो वो सब तो हो चुका था। और ये रही मेरी बड़ी वाली सिस्टर, तो ये देखिए, ये है मामा की बेटी और मेरी मौसी की बेटी। इन दोनों ने ट्विनिंग पहना है कुछ, यहाँ पे सेम सूट लाए हैं। तो देखिए, अब बस आगे मैं आपको दिखाती हूँ चाक का फंक्शन। तो यहाँ पे बनी को लेके हस्बैंड ने संभाला हुआ है क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करनी है। और यहाँ पर मामी जा रही हैं भात नोतने, यानी कि जो मामी के घर वाले होते हैं, मायके वाले, जो भात नोता जाता है भातियों को, तो मामी करने जा रही हैं वो रसम। पहले जाएंगी भात नोतने, देखिए, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। उसके बाद चाक पूजने जाते हैं, वहाँ से घड़े लेकर घर वापस आएंगे। फिर उसके बाद जो भाती होते हैं वो भात देंगे, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। मैं ज़्यादा ओवर वॉइस नहीं करूँगी तो आप लोग भी अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे ब्लॉग को। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पर रीति रिवाज होते हैं, कुछ राजस्थानी कल्चर जो मैं आपको आज दिखा रही हूँ। तो देखिए, आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा।
देखिए सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया और मैंने ये वाला फंक्शन थोड़ा सा मिस कर दिया था, मैं थोड़ा लेट पहुँची थी। बट यहाँ पे देखिए मेरे पीछे हो रही है भात की रसम, तो यानी कि जो मामी के मायके वाले हैं वो सब लोग आ चुके थे। और आज भी हमारे यहाँ पे इसी तरीके से भात दिया जाता है कि नीचे ज़मीन पर बैठ कर जिस तरीके से पटरे पर सबको टीका होता है उसी तरीके से सबको टीका करने के बाद कपड़े दिए जाते हैं। तो देखिए आप लोग भी बताइएगा आप लोगों में किस तरीके से होता है, क्योंकि देखिए कोई शोशापंती करने वाली बात तो है नहीं, जिस तरीके से रिचुअल्स हैं उसी तरीके से करने चाहिए। और यहाँ पे मेरे मासी का बेटा बड़ा वाला, तो सब लोग मिले, बहुत अच्छा लगा सच में। और यहाँ पे चाक और भात का फंक्शन हुआ तो उसका ये ब्लॉग मैंने बना के आप लोगों के साथ शेयर किया। तो देखिए बस यहाँ पे भात का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है और उनके मतलब मायके वाले सब जो सामान लेकर आते हैं भात में, कपड़े वगैरह सबके, यहाँ पे लेन देन चल रहा है, तो उसकी मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बनाई और बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी टाइम बाद हम लोग फंक्शन में गए क्योंकि भाई की शादी के बाद अब एक शादी आई थी फैमिली में और सब लोग मिले, तो अच्छा लगता है फंक्शंस में मिलना और इन्जॉय करना। तो उसके बाद यहाँ पर भात वगैरह के बाद हो गया था डिनर टाइम, तो सब ने यहाँ पर खाना वाना खाया था और उसके बाद फिर यहाँ पे लेट नाइट स्टार्ट हो जाएगा लेडीज संगीत, तो उसकी वीडियो भी जल्दी आने वाली है आप लोगों के लिए। तो इस वाली वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में जल्दी ही।